पार्षद के घर हमला, प्रभात फेरी में महिलाओं से छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज। सीनियर कांग्रेस नेता सतीश बल्लू ने जल्द कार्रवाई की उठाई मांग। अमृतसर के शियाटा इलाके में आज सुबह सुबह कुछ शरारती तत्वों ने प्रभात फेरी में शामिल महिलाओं से छेड़छाड़ की, फिर शिकायत करने गए लोगों का पीछा करते हुए पार्षद के घर पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद लोग केस दर्ज करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। बता दें कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। शिवरात्रि से एक महीना पहले रोजाना प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसी दौरान दो युवक आए और फेरी में शामिल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लग गए, जिसके बाद प्रभात फेरी के दौरान ही दो आदमी पार्षद के घर पर शिकायत करने पहुंच गए। पार्षद पति रमन कुमार रम्मी ने बताया कि हनुमान मंदिर शियाटा की ओर से प्रभात फेरी में छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद जब लोग उनके पास शिकायत लेकर आए तो उन लोगों ने उस घर पर ही हमला कर दिया। इस दौरान सभी ने अंदर जाकर अपनी जान बचाई। गुस्साए लोगों ने शियाटा सड़क जाम कर दी, सड़क पर ही कीर्तन करने लग गए, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो उन्हें सड़क से उठाया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन लोग केस दर्ज करने पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने बिल्ला नामक एक युवक को राउंड अप किया और बाकी अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों को आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही सीसीटीवी की मदद से उनकी पहचान कर ली जाएगी और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर सीनियर कांग्रेसी नेता सतीश बल्लू ने निंदा करते हुए कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर बनती कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पौनी पर तुम टाइम पास करते पे हो, मूह से कहना आप किसी बहर नहीं कहना, खाना खूह गला मूह से स्पष्ट गल जी। 15 मिनट बंदे मलन अगे लागे ने, तू मेरे कला करेगा, कले डाल लो जी करेगा।